हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कॉप प्रवेश में। आज के वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। बात करेंगे हम इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP। इसके अंतर्गत जो है ITPB SI, ASI और हेड कॉन्स्टेबल पैरा मेडिकल रिक्रूटमेंट 2024 की जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो ITBP स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट एग्जाम 2024। तो आइए देखते हैं संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन जो है फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 29/6/2024 से जो है आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। वहीं लास्ट डेट जो है वो आपकी रहने वाली है 28/7/2024 रहने वाली है और लास्ट डेट पेमेंट की वो भी 28/7/2024 रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितनी फीस जो है वो पे करनी होगी। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको जो है ₹200 इस फॉर्म को भरने के देने होंगे। वहीं SC ST और एक्स सर्विसमैन, इनको जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो है ₹100 जो है फीस देनी होगी। वहीं SC ST और एक्स सर्विसमैन यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है। वहीं ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए किसी भी तरह की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो 28/7/2024 से यहाँ से जो है आपकी काउंट की जाएगी और मिनिमम आयु जो है आपकी 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। वो जो है पोस्ट वाइज है, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे सब इंस्पेक्टर SI स्टाफ नर्स, यहाँ पर टोटल वैकेंसी इनकी 10 है। इसमें जो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, पास्ड GNM एंड रजिस्टर्ड इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपके पास में GNM डिग्री होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर इस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट रहने वाली 21 से 30 वर्ष रहने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ASI फार्मासिस्ट। यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अगर आप पास हैं तभी आप इस फॉर्म भरने के योग्य हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर इन फार्मेसी काउंसिल, ये आपके पास में फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो आपकी 20 से 28 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म के भरने के योग्य हैं इस वाली पोस्ट के लिए। अब हेड कॉन्स्टेबल मिडवाइफ, इसकी बात करते हैं तो इसके लिए 14 पोस्ट है, ओनली फॉर फीमेल, ये ओनली फीमेल के लिए। क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए, पास्ड ANM एग्जाम विथ रजिस्टर्ड इन एनी नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, आपके पास में ANM यहाँ पर होना चाहिए। आपकी आयु सीमा यहाँ पर देगी 18 से 25 साल, अगर आपकी आयु सीमा है तो आप इस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के योग्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। ठीक है, SI स्टाफ नर्स यहाँ पर जनरल की 6 पोस्ट है, OBC की 3 है, PWS की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, SC की 1 है और ST की भी कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है, इनमें EWS और ST के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। ASI फार्मासिस्ट यहाँ पर जो है टोटल जनरल के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए नहीं है और एसटी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 5 हो जाती है। HC मिडवाइफ, इसके लिए जो है टोटल यहाँ पर जनरल के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं है, यहाँ पर एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 14 पोस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, हमने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए हम ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।